हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मापन यानी मेजरमेंट का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्नियर कैलिपर्स से आपके फ्रेंड्स एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। तो फ्रेंड्स, पहली ही लाइन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ कि इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ कि यदि वर्नियर पैमाने के एन भाग मुख्य पैमाने के n माइनस वन भागों के बराबर हैं, तब वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर मुख्य पैमाने के n माइनस वन अपॉन n भाग के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि अल्पतमांक बराबर लिखा हुआ है मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस मुख्य पैमाने के n माइनस वन अपॉन n भाग के। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य पैमाने के n माइनस वन अपॉन n भाग के। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया है वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जो हमारा है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले की मदद से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन वर्नियर पैमानों पर भागों की संख्या। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में ना हो, तो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ, ठीक सीध में ना हो तो यह दोष क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे हमें फ्रेंड्स फॉर्मूला दिया हुआ है प्रेक्षित लंबाई का। तो फ्रेंड्स, प्रेक्षित लंबाई बराबर हमारा क्या होता है, मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे प्रेक्षित लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ वास्तविक लंबाई। तो फ्रेंड्स, वास्तविक लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स, वास्तविक लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वास्तविक लंबाई बराबर हमारा होता है प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। और फ्रेंड्स, शून्यांक त्रुटि हम चिन्ह सहित लेंगे, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए हुए थे, तो मैंने आपको बता दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन वर्नियर पैमानों पर भागों की संख्या। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 दिया क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि एक कागज की मोटाई 0.052 सेंटीमीटर है, तो मापन में सार्थक अंक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सार्थक अंक पूछा हुआ है। तो मैंने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में आपको सार्थक अंक से रिलेटेड सारे रूल बता दिए थे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपने सारे रूल पढ़ लिए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ, यहाँ दिया हुआ 0.0542 दिया हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या पूछा, हमसे पूछा है कि सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखना है कि पॉइंट के पहले कोई अशून्य अंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर पॉइंट के पहले कोई अशून्य अंक दिया होता तो फ्रेंड्स सार्थक अंकों सारे हमारे सार्थक अंक हो जाते। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट के पहले हमारे क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, यानी अशून्य अंक नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अशून्य अंक हमारे 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जीरो दे दिया हुआ है और पॉइंट के बाद भी हमें जीरो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको उस दिन एक रूल बताया था कि यदि दशमलव बिंदु के पहले
अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट के पहले हमारा शून्य जीरो दिया हुआ है और कोई अशून्य अंक भी नहीं है और पॉइंट के बाद भी हमारा जीरो दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसल। ठीक है फ्रेंड्स, और बचेंगे हमारे सार्थक अंक कितने, एक दो और तीन। तो फ्रेंड्स इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमारी हो जाएगी तीन, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको रूल मालूम होना चाहिए। अगर आपको रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा कि कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है 4500 ग्राम, ऑप्शन बी दिया हुआ है 450 × 10⁻³ ग्राम, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4.5 kg और ऑप्शन डी दिया हुआ है 45 × 10⁻³ ग्राम। तो फ्रेंड्स बोलने में आपको कौन सा सबसे शुद्ध लग रहा है, तो फ्रेंड्स बोलने से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है यानी 4.5 kg, ये हमारा सबसे शुद्ध माप है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आप कभी ऐसा बोलते हैं कि 4500 ग्राम, कभी आपने कैसा कभी बोला है 4500 ग्राम, या कभी आपने ऐसा बोला है कि 450 × 10⁻³ ग्राम, या ऐसा बोला हो 45×10³ ग्राम। बोलने में तो हमें सबसे शुद्ध यही लग रहा है यानी 4.5 kg। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, अगर बोलने में आपको क्या सबसे शुद्ध लग रहा है, ये लग रहा है 4.5 kg, क्योंकि फ्रेंड्स आप बोलते हैं 4.5 kg, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यानी 4.5 kg। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कण 15 सेकंड में 1.368 मीटर की दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमसे उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो फ्रेंड्स दूरी कितनी तय कर रहा है, वो दूरी तय कर रहा है 1.368 की। ठीक है फ्रेंड्स 1.368 की, और समय कितना ले रहा है 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड ले रहा समय। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स 1.368/15 लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे तीन जीरो हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक दो तीन अंक ऊपर दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स हम तीन जीरो बढ़ा लेंगे, यानी एक दो तीन, तीन जीरो हमने बढ़ा लिए तो हमारा बराबर के क्या हो गया, बराबर हो गया हमारा 1368/15 क्या हो गया हमारा 15000 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको हम दो से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 6 12 हो जाएगा हमारा, 2 6 12 हो जाएगा, एक उधर जाएगा 2 8 16 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा, यानी 684 हो गया, और नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 उधर हो जाएगा, 2 5 10 यानी 7500 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 684/7500। फ्रेंड्स ये अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा दो से, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 3 6 हो सकता है, 2 4 8 हो सकता है और 2 2 4 हो सकता है, यानी 342/2 3 6, 2 7 40 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 3750। तो फ्रेंड्स दो से हमने फिर इसको डिवाइड किया, बराबर के हमारा क्या आ गया 342/3750। फ्रेंड्स अभी भी यह दो से हमारा डिवाइड हो सकता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 1 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, एक उधर जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, यानी 171 आ गया, और नीचे अब डिवाइड करेंगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 60 हो जाएगा, एक उधर चलाएगा 2 7 40, फिर एक उधर जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, तो यानी बचा हमारा क्या लास्ट में, हमारा बचा 171/1875, बचा क्या हमारा 171/1875। तो फ्रेंड्स 1875, तो फ्रेंड्स 171 को हम भाग किससे देंगे, 1875 से, 1875 से भाग देंगे, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 1875 हमारा बड़ा है और 171 हमारा छोटा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डिवाइड करके आपको दिखा भी दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं डिवाइड करके नहीं दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर कैसे आया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 171 लिखा, 171 मैंने यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए, और हमें डिवाइड किससे करना है 1875 से करना है, 1875 से हमें डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जीरो लिखेंगे और पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ के हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हमारा 1710 हो गया, लेकिन फ्रेंड्स 1875 यहाँ दिया हुआ है तो, लेकिन 1710 छोटा है, तो फ्रेंड्स फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो हमने फिर बढ़ाया, फिर जाके हम यहाँ पे एक जीरो और लिख सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है कि 171/00 और दो पॉइंट मैंने बढ़ाया हुआ है, फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 1875, तो फ्रेंड्स
यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 17,000 और बाद में 100 लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ले 17,100 ही तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 1875 से इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 16,875। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पे घटा लिया, घटाने पर हमारा क्या आ गया, 2250 आ गया, 2250 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, 2250 आ गया। फ्रेंड्स उसके बाद हमने 2225 हमारा घटाने पड़ा था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा सकते, तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया। उसके बाद 1875 इक्नम 1875 होता है, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमारा क्या आ गया, 375 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ तक इसको डिवाइड करना था, तो हमारा डिवाइड करने पर क्या आ गया, हमारा डिवाइड करने पर हमारा आ गया 0.091 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, 0.091 आ गया। तो फ्रेंड्स हमसे सार्थक अंक में पूछा है ना फ्रेंड्स, सार्थक अंक में पूछा है, तो फ्रेंड्स सार्थक अंक निकालने के लिए हमारा यहाँ पे आया क्या था, हमारा आया था 0.091। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट के पहले हमें जीरो दिया हुआ है, तो जीरो हमारा अशून्य अंक नहीं है, जीरो हमारा जीरो होता है, अशून्य अंक हो नहीं सकता, अशून्य अंक हमारे 1, 2, 3, 4 होते हैं, और पॉइंट के बाद भी हमारा जीरो दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद जीरो दिया तो ये भी हमारा सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको रूल कल बता दिया होता, आपने रूल पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो हमारे सार्थक अंक हो नहीं सकते, जीरो जीरो तो हमारे कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा, बचा हमारा 91 बचा। तो फ्रेंड्स 91 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 91 मीटर पर सेकेंड ये उसकी चाल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 91 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कड़ की चाल क्या हो जाएगी, 91 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आसान भी है, बस आपको इसमें डिवाइड करना है फ्रेंड्स, डिवाइड करने का खेल इस क्वेश्चन में, अगर आप डिवाइड कर ले जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा डिवाइड करने में यहाँ पे थोड़ा टफ दिया हुआ है, थोड़ा भाग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 91 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान, तो फ्रेंड्स कोटिमान पूछा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये लिखा क्या हुआ है, 3.84 बेस हमारा क्या होता है कोटिमान निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स हम लिखते हैं 3.16 लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स 3.16 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स 3.16 से 3.84 छोटा है कि बड़ा है, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है यहाँ पे दिख रहा है कि 3.84 3.16 से बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स ये तो बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स 10 की पावर हमें कितनी दी हुई है, 10 की पावर हमें 5 दी हुई है, 10 की पावर 5 दी हुई है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 3.16 से 3.84 बड़ा है, अगर बड़ा है तो 10 की घात 5 में हम एक ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10⁶ किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 10⁶ किलोमीटर कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁶ किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4270 का कोटिमान क्या होगा, हमसे यहाँ पे कोटिमान यहाँ भी पूछा हुआ है, पूछा हुआ कि 4270 का कोटिमान क्या होगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं और घात में बदल लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4270 लिखा हुआ है, 4270 लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स हम पॉइंट कहाँ पे लगा सकते हैं, एक अंक के बाद 4 पॉइंट कर देंगे, 4.270 कर देंगे, और घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने कितने दाएं गए हुए हैं, एक गया, दो, तीन, तीन अंक जाकर हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो घात हमारी कितनी हो जाएगी, 10³ हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स 10³ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने इसको पॉइंट में चेंज कर लिया, पॉइंट में हमारा क्या था, 4.270 × 10³। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 4.270। तो फ्रेंड्स 4.270 3.16 से क्या है, तो फ्रेंड्स ये बड़ा है, 3.16 से बड़ा है 4.270, तो कोटिमान हमारा क्या हो जाएगा, तो घात हमारी क्या बनी थी, घात बनी थी 10³। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4.270 3.16 से बड़ा है, तो 10³ में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 10⁴। तो फ्रेंड्स हमारा कोटिमान क्या आ गया, कोटिमान हमारा आ गया 10⁴। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 10⁴ कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो फ्रेंड्स इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10⁴, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे पर सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं, कितने भाग अंकित हैं, 50 भाग अंकित हैं, यदि पेंच का चूड़ी अंतराल
1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमसे स्क्रू गेज का अल्पतमांक पूछा है, तो फ्रेंड्स स्क्रू गेज के अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है चूड़ी अंतराल अपॉन शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या, शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो हमें चूड़ी अंतराल कितना दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स यदि पेज का चूड़ी अंतराल जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर हमें पेज का चूड़ी अंतराल दिया हुआ है और शीर्ष पैमाने पर भागों की संख्या हमें कितनी दी हुई है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं, तो फ्रेंड्स 50 शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक को हम किससे डिवाइड करना है, हमें 50 से डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर जाके हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स अभी भी 10 छोटा है 50 से, तो फ्रेंड्स एक जीरो और बढ़ाएंगे, हम एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 और 50 को 2 से भाग देंगे तो 50 दूनी हमारा होता है 100। तो हमारा आ क्या गया फ्रेंड्स, हमारा आ गया 0.02, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 0.02 मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.02 mm यानी मिलीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 0.02 mm कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में 0.02 mm। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स आप फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सुग्राही यंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी, क्या लिखा है फ्रेंड्स, सुग्राही यंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ इसकी इसकी अच्छी फिनिश है, ऑप्शन बी दिया हुआ इसका सार्थक अंक अधिक है, ऑप्शन सी दिया हुआ इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इसका सार्थक अंक अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इसका सार्थक अंक अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सुग्राही यंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1994 यानी 1994 में पूछा गया है, काफ़ी समय पहले पूछा गया था, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि शायद इस बार पूछ लिया जाए, तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिच्छस्त त्रुटि का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि पिच्छस्त त्रुटि का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है कि पेज का सिरा घिस जाना, ऑप्शन बी दिया हुआ है पेज का ढिबरी में ढीला हो जाना, ऑप्शन सी दिया हुआ असमान चूड़ी अंतराल, और ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पेज का ढिबरी में ढीला हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, पिच्छस्त त्रुटि का कारण क्या होता है, पेज का ढिबरी में ढीला हो जाना, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये आपके एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा भी गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन लेंथी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप क्वेश्चन की भाषा पर मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन लंबा दिया हुआ है अलग बात है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक कितना दिया, 2.7 सेंटीमीटर आया है, तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स वस्तु की लंबाई हमसे पूछा हुआ है, तो फ्रेंड्स वस्तु की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी हुआ था वर्नियर जब मैं आपको बताया था मैंने, तो फ्रेंड्स वस्तु की लंबाई बराबर हमारा क्या होता है, मुख्य स्केल की माप प्लस वर्नियर पैमाने का मिलने वाला चिन्ह और गुड़े वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यानी वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फ्रेंड्स मुख्य स्केल की माप हमें कितनी दी हुई है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 2.7 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स मुख्य स्केल की माप हमारी क्या हो जाएगी, 2.7 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमसे फॉर्मूले में क्या दिया, वर्नियर पैमाने का मिलने वाला चिन्ह, वर्नियर पैमाने का मिलने वाला चिन्ह हमें क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स चलिए चेक कर लेते हैं कि वर्नियर पैमाने का मिलने वाला चिन्ह हमें क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा कि वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया, तो फ्रेंड्स 5वां चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्नियर पैमाने का मिलने वाला चिन्ह हो जाएगा यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर क्या उसके बाद क्या दिया फॉर्मूले हमारा दिया वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक, तो फ्रेंड्स अल्पतमांक हमें कितना दिया हुआ है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में ही आपका सब कुछ गिवन है। तो फ्रेंड्स ये क्या दिया हुआ, 0.01। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में हमने इस सभी वैल्यू को पुट कर दी यानी 0.01 हो गया, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब चलिए फ्रेंड्स 2.7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा 0.05, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी 2.7 और 0.05 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 2.75 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 2.75 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में 2.75 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन लेंथी लिखा हुआ है वो अलग की बात है, लेकिन फ्रेंड्स सारा कुछ आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, सब कुछ आपका मान क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए था, वस्तु की लंबाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 2.75 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.0025 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, यानी 100 भागों में विभाजित है। तो पेच मापी का चूड़ी अंतराल क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये भी इजी क्वेश्चन है, पेच मापी का चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजी वे पे। तो फ्रेंड्स पेच मापी का चूड़ी अंतराल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्पतमांक गुणे वृत्तीय पैमानों के भागों की संख्या। तो फ्रेंड्स अल्पतमांक कितना दिया हुआ है हमें 0.0025, ये हमारा अल्पतमांक है। और वृत्तीय पैमानों के भागों की संख्या कितनी दी हुई है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 0.0025 mm × 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर सब हमारा सॉल्व होने पर क्या आ जाएगा, सॉल्व होने पर हमारा आ जाएगा 0.25 mm। फ्रेंड्स सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 0.25 mm। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 0.25 mm कहाँ दिया हुआ है तो हमें। तो फ्रेंड्स 0.25 mm हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.25 mm कहाँ दिया हुआ है, ये हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक पिंड के द्रव्यमान की माप तीन व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम, यानी 3000 ग्राम, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 3.00 kg, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ तथा 3.0 × 10³ ग्राम बताई गई। तो इनमें सबसे शुद्ध माप क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इसमें हमें सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, सार्थक अंक का। तो हमें तीनों में से चेक करना है किसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे अधिक है। जो तीनों संख्याएं हमें दी हुई हैं, तीनों में हमें चेक करना है किसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे अधिक है। जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे अधिक होगी वही सबसे शुद्ध माप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं 3000 ग्राम लिखा हुआ 3000 में, तो 3000 में हमारी सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी सार्थक अंकों की संख्या 4 दी हुई है, यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट भी नहीं लगा हुआ है, 3 के पहले कुछ जीरो भी नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमारे चारों सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, चारों सार्थक अंक हो जाएंगे। और 3.00 में कितने हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे 3 सार्थक अंक हैं और 3.0 में हमारे 2 ही सार्थक अंक हैं। तो फ्रेंड्स सार्थक अंकों की संख्या सबसे अधिक किसमें है, तो फ्रेंड्स ये हमारे 3000 ग्राम में, यानी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3000 ग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना, हमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना, तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगा है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लगा है सार्थक अंक का। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 3000 ग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ भी हमें सार्थक अंक पूछा हुआ है कि 0.3110 × 10³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 6। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 0.3110 लिखा हुआ है, 3110 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स पॉइंट के पहले हमारा क्या है, पॉइंट के पहले हमारा 0 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अशून्य अंक तो है नहीं, ये तो हमारा 0 है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा सार्थक अंक हो नहीं सकता, बचे हमारे कितने अंक, बचे हमारे 3, यानी 1, 2, 3। तो इसमें हमारी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हमारी सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3, यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कार्य का सीजीएस मात्रक है, कार्य का सीजीएस मात्रक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम 2018 यानी लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, और इससे पहले यह 2013 में पूछा गया, तो यानी दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अर्घ,
कार्य का हमारा सीजस मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स कार्य का हमारा सीजस मात्रक होता है अर्घ होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अर्घ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कार्य का सीजीएस मात्रक दो दो बार पूछा जा चुका है तो फ्रेंड्स इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है हमारी कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स बल का सीजीएस मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डाइन यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा कि वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ वोल्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ एम्पियर, ऑप्शन सी दिया हुआ कूलाम और ऑप्शन डी दिया हुआ न्यूटन पर कूलाम। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वोल्ट। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक क्या होता है हमारा? वैद्युत विभव का हमारा एमकेएस मात्रक होता है वोल्ट। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं वैद्युत विभव में सबसे पहले क्या आ रहा है? वह आ रहा है वैद्युत विभव में वाही तो आ रहा है फ्रेंड्स, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर में भी सबसे पहले हमारा वाही आएगा यानी वोल्ट ही आएगा। तो फ्रेंड्स वैद्युत और वोल्ट इन दोनों को कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं। वैद्युत और एम्पियर, एम्पियर तो हो नहीं सकता है, ये वैद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कूलाम भी नहीं हो सकता, न्यूटन पर कूलाम तो हो ही नहीं सकता, बचा हमारा क्या? वोल्ट। तो वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ मीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ न्यूटन और ऑप्शन डी दिया हुआ फुट। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूटन ये हमारा दूरी का मात्रक नहीं होता, और मीटर हमारा दूरी का मात्रक होता है, सेंटीमीटर भी होता है और फुट भी हमारा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी न्यूटन, ये दूरी का मात्रक नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? ये हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमसे पूछा है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.05 और ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0.02 मिलीमीटर यानी 0.02 mm। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर मेजरमेंट यानी मापन पूरा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। मैंने आपको टोटल इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बताए हुए हैं? 33 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल बताए हुए, जिसमें न्यूमेरिकल भी है और साथ ही साथ मैंने आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताने की कोशिश की है इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले को याद कर लेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर मेजरमेंट यानी मापन कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, ये हमारा पूर्णतया फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।